मामलों को देखकर और लोगों की अनदेखी के चलते करनाल स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन गली गली और मोहल्लों में जाकर सबकी कोरोना जांच करेगी, ताकि बढ़ते मामलों की चेन को तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि प्रदेश भर में प्रतिदिन 2000 से अधिक मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर सरकार ही नहीं जिला स्तर पर भी प्रशासन चिंतित है। मामलों की संख्या ना बढ़े इसके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो प्रतिदिन होने वाले सैंपलों की संख्या बढ़ाई जाए, दूसरा जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में मास्क ना पहनने वालों का जुर्माना नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन प्रशासन को सख्ती से जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक गली मोहल्ले में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट मात्र 30 मिनट में मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोग डर के मारे अपनी जांच नहीं करवा रहे, जो कि गलत है। यदि किसी व्यक्ति ने कोरोना से संबंधित लक्षण हैं तो वह अपनी जांच अवश्य करवाएं। कोरोना का टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सावधानी से वे जल्द ही ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि वह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना की चेन को तोड़ना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है। वही ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं। आज करनाल के अंबेडकर चौक पर स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन के साथ ट्रैफिक कर्मी भी मुस्तैद रहे। जो भी बिना मास्क मिला उसका न केवल चालान काटा गया बल्कि उसका कोरोना टेस्ट भी किया गया। वही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर अपनी जांच करवा लें, ताकि इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के अंबेडकर चौक पर मंगल सैन ऑडिटोरियम के बाहर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल वैन है। इस वैन के द्वारा कोरोना के केस कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में और हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि प्रतिदिन 2-2.5 हज़ार से ऊपर के केस सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने सबसे जरूरी यह कहा कि लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जो कि मास्क नहीं पहनेगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान। हालांकि दिल्ली सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 कर दी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने यह राशि फिलहाल 500 तक ही रखी है। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यहाँ पर इस चौक पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और चालान काटने का अभियान जारी है। जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान काटा जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये किस तरह से एक महिला का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। अब इनकी रिपोर्ट अगले दिन आती है, अभी दे रहे हैं साथ के साथ बोलो, और इसकी रिपोर्ट भी इनको तुरंत मिल जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि इनके अंदर कोरोना के लक्षण हैं या नहीं है। उसके बाद ही पता लगाया जाएगा किस तरह से है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है यहाँ पर। देखिए इस तरह से ये मेरे साथ मौजूद हैं इस समय। मैं बता दूं कि इस पूरे अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमन यादव। डॉक्टर अमन सर, ये क्या प्रावधान है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, किस तरह, किस लिए और क्यों इस अभियान को चलाया जा रहा है और कहां कहां पर चलाया जा रहा है? देखिए, ये अभियान सीएमओ सर हमारे जो डॉक्टर योगेश जी हैं उनके डायरेक्शन के अंडर, उनके सानिध्य, उनके उस आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा है। और इस अभियान में हम लोगों को मास्क के लिए जागरूकता अभियान है ये, तो लोगों को मास्क की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हम देखिए मास्क भी बांट रहे हैं, मास्क क्यों ज़रूरी है ये भी बता रहे हैं, और जो टेस्ट करवाना चाहता है, बेसिकली सीएमओ साहब चाहते थे कि लोग जो डर रहे हैं अस्पताल में आने से डर रहे हैं, तो उनके लिए एक सुविधा ऐसी हो कि वो अपने घर के आसपास ही कहीं टेस्ट कराने की सुविधा हो।
तो हम ये मोबाइल वैन जो है मोबाइल वैन के थ्रू गली मोहल्ले चौक चौराहे सब पर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को कि वो अपना फ्री में आके टेस्ट कराएं। अमन जी, इस टेस्ट की रिपोर्ट कितने देर बाद आएगी? देखिए, ये 30 मिनट का प्रोसीजर है, 30 मिनट में आपको हम बता देंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में डेली कितनी सैंपलिंग हो रही है? करनाल जिले में हम डेली ऑन एन एवरेज 1000 प्लस सैंपल कर रहे हैं। जैसे पिछले कल हमारे 1000 थे, उससे पिछले कल हमारे 1500 थे, तो हम यूजली 1500 कोशिश करते हैं कि 1500 से 2000 के बीच हमारे सैंपल हो जाएं। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, आप उनको मास्क भी वितरित कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हम उनको मास्क भी वितरित कर रहे हैं और उनको मास्क की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बता रहे हैं। देखिए, ये थे मेरे साथ डॉक्टर अमन यादव, जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से भी केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को मास्क के बारे में मास्क की महत्व को बताना अति आवश्यक है ताकि बढ़ते मामलों को रोका जा सके। मेरे साथ एक और अधिकारी हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे बारे में? सर, हम अपने सिविल सर्जन हमारे डॉक्टर योगेश शर्मा की सख्त हिदायतों की पालना करते हुए हम डोर टू डोर जाके लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो सके और हमें बीमारी के बारे में पता चल सके। जो भी इससे पीड़ित हैं उनको हम तक टाइम पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकें। देखिए, ये थे हमारे स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारी जो कि इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि अब जो लोग अस्पतालों में आने से डर रहे थे, जो लोग सैंपल देने से डर रहे थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अब यह अभियान चलाया है CMO डॉक्टर योगेश शर्मा के नेतृत्व में कि घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर हर गली मोहल्ले में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों की फ्री जांच की जाएगी। 30 मिनट का यह प्रोसीजर है, मात्र 30 मिनट के बाद रिपोर्ट पता लग जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल वैन के माध्यम से वो किया जा रहा है। मेरे साथ ट्रैफिक, अब आपको बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ पर 1000 से ऊपर लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। मेरे साथ अब यातायात अधिकारी मौजूद हैं। सर, जो मास्क नहीं पहनते उनके लिए कितने रुपए के चालान का प्रावधान है? ये 500 रुपए का अपना हरियाणा के अंदर। अगर हम बात करें तो करनाल में प्रतिदिन ऐसे कितने लोगों के चालान काटे जाते हैं? अब देखो, ये तो कोई अंदाजा नहीं, 15-20 तो कटे जाते हैं। 15-20 कट जाते हैं। सर, आप उनके साथ साथ उन्हें जागरूक भी करते हैं कि हाँ ये गलत? हाँ जी, हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम उनको जागृत करते हैं, बोलते बताते भी हैं, समझाते भी हैं सभी को, भाई अपना मास्क लगाइए। तो लोग फिर भी लापरवाही बरतते हैं, डरते ही नहीं। देखिए, जो लापरवाही बरतेगा भुगतेगा, तो फिर वही। हाँ जी बिल्कुल, वो तो वो भुगतेगा ही। आप एक क्या अपील करना चाहेंगे आम लोगों से? हम तो अब यही अपील करना चाहेंगे, महामारी से बचने के लिए मास्क जरूर लगाइए, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। देखिए, ये थे मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि प्रतिदिन 20 चालान तो कम से कम काटे जाते हैं। इसके अलावा ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। जनता डर नहीं रही है। इसके अलावा 500 रुपये मैंने आपको बता दिया क्या, क्योंकि हरियाणा सरकार ने आदेश ये जारी कर दिए थे कि 500 रुपये का ही चालान काटा जाएगा, लेकिन चालान काटने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, सख्ती से यह प्रक्रिया लागू की जाएगी। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ पर दिल्ली सरकार में 2000 रुपये चालान कर दिए, उस हिसाब से हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, हरियाणा में मास्क ना पहनने पर जुर्माने का प्रावधान 500 रुपये ही है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करते रहते हैं, लोगों को समझाते भी रहते हैं कि किस तरह से आप मास्क पहने, बच्चा हो बूढ़ा हो, इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि जो भी सरकारी गाइडलाइंस है बीमारी से बचने के लिए उनका पालन जरूर करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों के सैंपल ले जा रहे हैं और 30 मिनट के प्रोसेस के बाद इनकी रिपोर्ट इनको थमा दी जाएगी कि इनके अंदर उसमें बीमारी के लक्षण हैं या नहीं है। हालांकि हम भी समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर इसको बढ़ने से नहीं रोका गया तो यह घातक हो सकती है, भयंकर रूप धारण कर सकती है। इसलिए गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें इसकी चेन को तोड़ने, इसके ट्रांसमिशन को तोड़ना है। इसलिए सरकार द्वारा जो भी एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जो भी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जो भी प्रावधान लोगों को बताए जा रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस लोगों को दी जा रही हैं, उनका भरपूर वो लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। इसके बाद अब यह टेस्ट गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर किया जाएगा और ऐसे लोगों का किया जाएगा जो लोग डर के मारे अस्पताल आने से भी डर रहे थे, क्योंकि अस्पतालों में यह मैंडेटरी कर दिया गया कि जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है उनको डॉक्टर तभी देखेंगे जब उनका कोरोना सैंपल दे दिया जाएगा। इस बात से डरते हुए कुछ लोग अस्पताल आने से कतरा रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए करनाल के सिविल सर्जन के द्वारा यह अभियान चलाया गया है, जिसमें मोबाइल वैन के माध्यम से हर गली मोहल्ले में लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.